ਉਰੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਬਾਰ ਹੋ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਲੱਭੇ ਫੋਟੋ ਏਰੀਆ ਸਰਚ। सबसे पहले आपको एक VPN की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको एक ऐड दिखेगा, इसको हटा देना है। हटाने के बाद कनेक्टिंग पर क्लिक करना है। कनेक्टिंग पर क्लिक करने के बाद आपको इसको हटा देना है। साइड से हटाने के बाद गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद आपको सर्च करना है वेलोसिटी कैपकट टेम्पलेट। जैसे मैंने पहले सर्च कर रखा था, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। आपको स्क्रॉल करते रहना है जब तक कि आपको एक वेलोसिटी टेम्पलेट नहीं आए, तब तक आपको स्क्रॉल करते रहना है। और स्क्रॉल करना है नीचे, थोड़ा और स्क्रॉल करना है। उसके बाद देख सकते हो हमारे यहाँ पर टेम्पलेट आ चुकी है। ये वाली कुछ इस तरीके से हमारी टेम्पलेट दिखेगी। देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारी टेम्पलेट दिख रही है। तो इस पर यूज टेम्पलेट पर क्लिक कर देना है। यूज टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद आपको कैपकट एप्लीकेशन में रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद आपको यूज टेम्पलेट पर क्लिक कर देना है वापस से। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक वीडियो लेनी है, आपको वीडियो वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। फ़ोटो लेनी है तो आपको एक फ़ोटो वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो मैं फ़ोटो ले लेता हूँ एक। यहाँ से एक फ़ोटो को लेने के बाद पर ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद आपको एक फ़ोटो दिख रहा है यहाँ पर छोटा सा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको फ़ोटो को सेट कर लेना है, आपको फ़ोटो लेना है तो सेट करने के बाद कंफर्म कर देना है यहाँ से। जैसे मैं यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ, तो यहाँ से हमारी वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है, तब तक वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक करना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ से हटा देना है, इसको साइड से एक बार। हटाने के बाद यहाँ से मैं हटा देता हूँ। हटाने के बाद कैपकट एप्लीकेशन को हटा देना है। हटाने के बाद आपको फिर से कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसको हटा देना। हटाने के बाद प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से जो हमने वीडियो बनाई थी उसको ले लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वीडियो को साउंड को म्यूट कर देना है। जैसे मैं यहाँ से म्यूट कर देता हूँ वीडियो को साउंड को, देख सकते हो कुछ इस तरीके से म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद आपको वीडियो पर एक बार क्लिक करना है। स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नॉर्मल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको 1.4 कर देना है इसको, जैसे मैं कर देता हूँ। यहाँ पर करने के बाद आपको एक बार स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वीडियो के एंड में आना है। यहाँ से आपको कैपकट का लोगो दिखेगा, इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद हमारी वीडियो, इसके बाद हमें एक सॉन्ग को ऐड करना है, तो सॉन्ग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक सॉन्ग वाली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसे लेना है। यहाँ से लेने के बाद हमारी वीडियो में सॉन्ग लग जाएगा। इसके बाद आपको सॉन्ग को सेट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ सॉन्ग को, यहाँ पर देख सकते हो हमारी यहाँ पर वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो बन चुकी है, देख सकते हो। मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना है। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है। उसके बाद आपको इसे सेव करने के लिए ऊपर सेव वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना है। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।